नमस्कार दोस्तों, चलिए राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें जान लेते। राजस्थान की फटाफट खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। पहली खबर, आज दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के लिए 6 मुहूर्त जो दोपहर 1:15 से रात 2:32 तक रहेंगे। इनमें हर वर्ग के लोग घर, दुकान, ऑफिस और कारखाने में अपने हिसाब से खास मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इस बार ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं जो लक्ष्मी पूजन से लेकर नए कामों की शुरुआत के लिए शुभ रहेंगे। दीपावली पर 8 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें 5 राजयोग और अन्य 3 शुभ योग रहेंगे। ऐसा संयोग पिछले 700 साल में नहीं बना। अयोध्या में शनिवार 11 नवंबर को दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 7वें दीपोत्सव पर सरयू नदी के किनारे 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा होलोग्राफिक लाइट के जरिए महर्षि वाल्मीकि की राम कथा सुनाई गई। लेजर शो के बाद 23 मिनट आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान 84 लाख रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखे जलाए गए। राजस्थान में कांग्रेस ने किए 2 बड़े चुनावी वादे। गहलोत ने कहा, दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे 2 या 3 किस्तों में दिया जाएगा। दूसरा वादे में सीएम गहलोत ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर 1.5 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर 76 लाख परिवारों को मिल रहा है। आंखें स्कैन कर दी जाएगी। राशन सामग्री बढ़ती उम्र के कारण अंगूठे के फिंगरप्रिंट न आने पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन नहीं मिलने से परेशान लाभार्थियों को जल्द राहत मिलेगी। पोस्ट मशीन पर ऐसे लाभार्थियों के अंगूठे की जगह आंख की पुतलियों से सत्यापन के लिए राशन की दुकानों पर आई स्कैनर लगाए जाएंगे। नए साल के पहले यह स्कैनर राशन की दुकानों पर स्थापित कर दिए जाएंगे। राजस्थान के दौसा में सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा होते ही नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। आरोपी ने थाना परिसर में ही खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, खिड़की तोड़कर उसे बाहर निकाला। जयपुर दीपावली की रोशनी में जगमगा उठा है। चार दीवारी समेत जयपुर के अलग अलग हिस्से को दूधिया और सोने सी रोशनी में सजाया गया है। इस बार जयपुर को खास झांकियों से सजाया गया है। चांद पोल से छोटी चौपड़ तक 15 देवी देवताओं की झांकी बनाई गई है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई गई है। साथ ही समुद्र मंथन का दृश्य भी बनाया गया है। हाड़ौती में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, चुनाव करीब है और इस दौरान नेताओं में दल बदलने की घटनाएं जारी हैं। इस बार कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा है। कोटा जिले के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता को जयपुर मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने पार्टी ज्वाइन करवाई है। राजस्थान में दीपावली के साथ साथ सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। शुक्रवार को राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बरसात हुई। इससे उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का असर तापमान पर पड़ी रहा। रात से ही तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई। शनिवार सुबह मौसम में सर्दी के साथ साथ कोहरा देखने को मिला। जयपुर मौसम केंद्र के विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अब अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा और उत्तर भारत से ठंडी हवाएं आएगी। जैसलमेर में इस साल स्पाइस जेट ने अपनी हवाई सेवाओं को 1 दिसंबर से शुरू करने का प्लान किया है। इसके तहत जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट 1 दिसंबर से शुरू करेगी। पेपर लीक मामले में ईडी ने कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ जयपुर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में सामने आया है कि सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। निलंबित RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक किए। ग्रेड सेकंड परीक्षा के पेपर की सौदेबाजी भतीजे विजय डामोर के जरिए की। 1 करोड़ रुपए में RPSC का पेपर लीक कर गिरोह के सरगना शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा को बेचा। धनतेरस की रात चोर 4 दुकानों के ताले तोड़कर और शटर उखाड़कर करीब 5,25,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। चोरी की घटना में करौली जिले के सदर बाजार में हुई। विधानसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के खर्च की गणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने चाय, नाश्ता, खाना, पानी की बोतल सहित चुनाव में प्रचार के बैनर पोस्टर तक की दरें तय की गई है। यहां तक कि चुनावी सभा में आने जाने के लिए बस, मैजिक, ट्रैक्टर ट्राली, होटल के कमरों सहित बुके, फूल माला तक की दरें तय की गई है। विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी को 40 लाख रुपए तक खर्च करना निर्धारित है। अगर इस ज्यादा प्रत्याशी खर्च करगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये थी राजस्थान की शाम की ताजा और बड़ी खबरें। राजस्थान की फटाफट खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें।